नाजरीन सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर रजा हुसैनी, हमारा समाज और हम में आपका स्वागत है। नाजरीन आइए, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर सामाजिक कारकुन MIM लीडर जनाब जावेद सिद्दीकी, उनसे कुछ मुद्दों पर बात करने वाले हैं हम। जावेद भाई, आपसे सदाकत न्यूज में मुखातिब हैं। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ चीजें वायरल हो रही हैं और उसके बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि ईद उल अजहा के मौके पर 5 स्लॉटर हाउस की खबरें आई थी सोशल मीडिया पर भी, अखबारों में भी, और उसके बाद 21, 22, 23 तक 11 लोगों पर FIR हो गया था। ये सत्ताधारी ने ये कहा था कि ईद उल अजहा के मौके पर 5 स्लॉटर हाउस हमने पास करा दिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सही है क्या गलत है, आप इस पर बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे बहुत अफसोस के बाद इस बात को मैं आप तक सदाकत न्यूज के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए कि हमारे शहर में जो आप देख सकते हैं काफ़ी बरसों से जो हमारे को लालीपाप दिया जा रहा है विकास के नाम हो, और ये झूठी अपनी चर्चा के लिए, अपनी सत्ता कायम रखने के लिए ये भी किसी पार्टी को जो बदनाम करते हैं, तो आइए इनकी असलियत हम बताते हैं कि ये क्या है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि ये फोटो बैनर पे जिंदा है, तो आज हम बता रहे हैं कि फोटो बैनर, आपको मैं एक ये पेपर बता रहा हूँ जो इन दिनों एक उर्दू पेपर है और एक तरुण मित्र का पेपर है, और बकरा ईद के पहले बड़े बड़े चैनल यहाँ के इस संबंध में यहाँ की जनता को उजागर किया था कि हमारे यहाँ का जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने कोरोना जैसी महामारी के अंदर कर उन्होंने ईद उल अजहा के मौके पर 5 जगह स्लॉटर हाउस, यानी टेम्परेरी स्लॉटर हाउस जो है कुर्बानी के बड़े जानवर का इंतजाम किया गया है। ये हर जगह पे बैनर फोटो हुआ, आपको पता होना चाहिए। तो उसमें हमारे एक न्यूज चैनल के पत्रकार ने कहा, सही बात स्पष्ट उन्होंने कहा, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आया। उन्होंने टिप्पणी किया था कि इसका क्या असलियत है, वो इतना कह के छोड़ दिए। लेकिन जब हमने ईद उल अजहा के बाद देखा कि मुमरा पुलिस स्टेशन में उन गरीब 4 लोगों के ऊपर FIR हुआ, और दूसरे दिन फिर और 7 लोगों के ऊपर FIR हुआ, यानी 11 लोगों के ऊपर FIR। मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ का सोशल मीडिया कहता है, जो रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड के अंदर मैं बात करता हूँ। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी की लड़ाई नहीं है, मैं एक समाज में रहता हूँ, समाज में अगर गलत होगा तो मैं उसके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। तो मैं थाना महानगर पालिका आयुक्त विपिन शर्मा जी से इस न्यूज़ के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, और मैंने माहिती अधिकार के द्वारा आपसे पूछा भी कि जो मुमरा के अंदर जो लीडरान आपका फोटो लगा के आपका नाम लेके जो जनता को कहा कि यहाँ पे बड़े जानवर को 5 जगह स्लॉटर हाउस का परमिशन दिया गया है, ये कौन कहता है? पेपर कहता है, सोशल मीडिया कहता है, और यहाँ के लीडरान कहते हैं। यहाँ की जनता भोली भाली जो है अपने बड़े जानवर का इंतजाम किया, यहाँ के नौजवानों ने यहाँ पे हर तरह मंडियाँ जो लगती थी लगाई गई, लेकिन जब
उनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ तो ये बात कोर्ट से रात को आदेश आया और सुबह पुलिस ने उनके ऊपर FIR कर दिया, ऐसा लोगों ने घुमाया। लेकिन वो कोर्ट का आदेश है वो अलग है, रहने दो। लेकिन हमको इस बात पे जो गुमराह किया गया है कि विपिन शर्मा ने और यहाँ के अपोजिशन लीडर के कहने पे 5 जगहों पे स्लॉटर हाउस यानी कुर्बानी करने की मंजूरी दी है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कागज कहता है, मीडिया कहती है। मतलब अब जब इस पे जब कुर्बानी के लिए कमिश्नर ऑफ थाना कमिश्नर ऑफ महानगर पालिका और हमारे यहाँ के जोन नंबर 1 के DCP उन्होंने भी एक पत्र दिया है, मुरा पुलिस स्टेशन के दिए कि यहाँ पे अगर कोई भी मसला है तो इसके लिए उसमें लिखा हुआ लेटर में कि हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर इनको जो है परमिशन देना है, वो तो पुलिस अपने कानून के दायरे पे लेटर दी थी। जावेद भाई एक और सवाल है कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है टोरेंट पावर के बारे में कि NCP के कुछ नेताओं ने टोरेंट आने से पहले कहा था कि मुमरा में आने नहीं देंगे, अगर आया तो हमारी लाश पर से गुजरना होगा तो कुचल करके गुजरना होगा, इस बारे में आप बताइए। जैसा कि अभी सुना है कि इलेक्शन का बबुल भी बच गया है तो इसके सिलसिले में इनको क्या नुकसान पहुंचने वाला है? देखिए नुकसान की और ये जो आप टोरंटो की बात कर रहे हैं, मैं पहले इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको जवाब देता हूं। तो जब उन्होंने परमिशन दिया है कमिश्नर ने न्यूज के चैनल से नेता के कहने के ऊपर लोगों ने सब यहां पे कुर्बानी के इंतजामात किए, लेकिन जब उनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ तो मैंने माइकी अधिकार से एक पत्र दिया कमिश्नर को और कमिश्नर ने मुझे कल जो है 1 तारीख को एक पत्र दिया कि मैंने कोई परमिशन कोई जो है पशु वैद्यकीय से अधिकारी ने विभागे कोई भी एक परमिशन हमारे तरफ से नहीं गया है। तो मेरा सवाल ये है जनता से, जब तुमने परमिशन दिया नहीं तो ये वीडियो और फोटो और चैनल में कमिश्नर साहब आपका फोटो क्यों छापा हुआ है? तो या तो आप झूठ बोल रहे, या तो वो नेता झूठ बोल रहा है, या तो पुलिस झूठ बोल रही, या तो जिनके ऊपर गुनाह दाखिल हो तो इसकी जांच करें, जांच करके उनके ऊपर फौरन से फौरन गुनाह दाखिल हो ताकि हमारे शहर को आने वाले दिन से ऐसे गुमराह से बचाएं। दूसरी बात, मैं आपका ये जो टोरंटो का मसला है तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन मैं कायदे के ऊपर बात करता हूँ। टोरंटो की बात किए, देखिए लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है और भरा है तो पेट संसार जगमगाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जनता को ऐसे जगह पे तुम लोगों ने लाके खड़ा कर दिया कि ये कोरोना की महामारी में हर आदमी नौकरी पेशा कारोबार से ख़त्म हो गया है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास काम नहीं है, स्कूल नहीं है, बहुत मसाइल हैं। उस मसाइल में पानी वाला, TMC वाला, ये सब जो चालू है इसमें लोग परेशान हैं। इसके बारे में मैं बताता हूँ जो कायदे में है। देखो जिन्होंने कहा था कि मैंने जनता के लिए मैं अपनी जान देने की बात कही थी, वो पॉलिटिक्स में चलता है, ऐसा एक न्यूज में है, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि ऐसा बोलना पॉलिटिक्स में बोलना पड़ता है, चलता है। तो आप बता रहे हैं कि जो गलत है वो हम करते हैं, पॉलिटिक्स में गलत ही चलता है, ठीक है। लेकिन मैं टोरंटो कंपनी से के ऊपर जिन्होंने टिप्पणी जो जो पार्टियाँ ने की है मैं उनको बताना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैंने बहुत टिप्पणी किया हूँ, 1 साल पहले से मैंने जब सुना कि यहाँ पे टोरंटो कंपनी आने वाली है, हमारे लाडले मंत्री जी ने एक न्यूज पे कहा था कि अगर अभी तो टोरंटो हमारे शहर में अभी आई नहीं और हमारी सरकार अगर आ गई तो हम टोरंटो को यहाँ से भगा देंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, आप लोग कहते हैं, आप लोग कहा है न्यूज के चैनल में, सबूत है हमारे पास। तो इस बारे में हमने
चीफ इंजीनियर को एक पत्र दिया कि किस बेस पे प्राइवेटेशन मुमरा से किया गया है, क्योंकि बेस मांगता है, कोर्ट सबूत मांगता है, मैं सबूतों के आधार पे लड़ाई लड़ता हूं। तो मैंने कहा कि जो 337 करोड़ रुपया ठग बाकी मुमरा की जनता को चोर बनाकर ये नेता लोगों ने अपने पावर का मिली भगत करके प्राइवेटेशन किया, उसके ऊपर मैंने कहा कि जब एमएससी बोर्ड था तो एनसीपी के लोग मीटर लगाने का काम उनको कॉन्ट्रैक्ट था, केबल का उनका था और ट्रांसफार्मर का उनको था, रीडिंग का उनको था, इन्होंने जनता को पीडिया कर करके वो अधिकारी को मिलके ये 337 करोड़ ठगबाकी कर दिया, उसी के ऊपर सरकार को बताकर प्राइवेटेशन सरकार ने कर दिया, क्योंकि सरकार तो असलियत बताई नहीं गई कि क्यों प्राइवेटेशन यहाँ को जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि यहाँ के लोग भरते नहीं है, सरकार घाटे में है, घाटा बता के इनकी मिली भगत करके प्राइवेटेशन किया। तो हमने चीफ इंजीनियर को लिखा है कि जो एक मकान एक दुकान के ऊपर जो दो दो बार टीएमसी के अधिकारी बिजली विभाग के अधिकारी ने जो मीटर लगाया है बेकायदा काकोडा डाकोडा, जिस तरह पिछले बार इलेक्शन में लोगों ने टीएमसी ने जिताया, उसी तरह एमएससी बोर्ड ने काकोडा डाकोडा ए का बी को करके ऐसा उन्होंने मीटर निकाल के एक एक जगह में मीटर लगाए, तो वो मीटर जो सब गलत थे, लेकिन जिनको लाखों रुपया बिल था वो बिल वही था, वही 337 करोड़ बाकी बता के बताए। तो मैंने कहा कि जब तक चोरी करने वाला सबसे बड़ा मुजरिम होता है, मुमरा शहर हमारा चोर नहीं है, हमारे शहर को बदनाम किया गया है, सबसे पहले एमएससी बोर्ड के उन अधिकारियों और उन दलालों और उन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पहले छानबीन करके गुनाह दाखिल करो, फिर पीडी की बात करो कि भरना है नहीं। अभी चंद दिनों में एक ऐसा एक नेता ने कहा कि हमारे साहब ने पीडी का इंस्टॉलमेंट करने के लिए अर्जी दिया था, वो आ गया है पीडी का। अरे पीडी क्यों भरेंगे भाई, क्यों भरेंगे, क्यों भरवा रहे हैं लोगों से, तुम्हारा इसमें क्या है जो टोरंटो को सब पैसा भरने की बात कर रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं संदेहजनक बात है। तो मैं बोलता हूं कायदे में जो है कायदे में काम करो, और कायदे में अगर पीडी का पैसा जहां पे मीटर नहीं है उसको मीटर लगाओ, पीडी का पैसा जब तक उन लोगों के ऊपर गुनाह नहीं दाखिल होता तब तक उसको वसूलने का। मुझे एक पत्र दिया गया एक साल पहले चीफ इंजीनियर ने कि हमने तुम्हारी तकरार जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर महाराष्ट्र थाना सर्कल को भेज दिया है कि उसके ऊपर कितने लोगों को पीडी किया गया, किस अधिकारी ने किया, उसके लिए जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई 15 दिन में करो, ऐसा मुझे ऑर्डर आया है। अभी वो ऑर्डर लेके मैं इंशाअल्लाह इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने वाला हूँ। शुक्रिया। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क, बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबर के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, कोविड गाइडलाइन को मलहूज रखते हुए खुद को महफूज रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली न्यूज आप तक पहुंचती रहे। जो हजरात हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनका इस्तकबाल करते हैं, याद रहे 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।